साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं किवाड़ा गांव में हूं चौधरी कृष्ण पाल जी के यहां पे। तो भाइयों काफ़ी किसान जो है ट्रेंच से गन्ना भी लगा रहे हैं और गन्ने के कृषि यंत्र भी बना रहे हैं। तो हमारे चौधरी साहब आपको एक सलाह देंगे। देखो इनका ट्रेंच विधि का ये गन्ना है, इसमें छिलाई चल रही है इनकी लगभग इधर से, और जो इधर से छिलाई चलती आ रही है साथ के साथ में इन्होंने पेड्डी प्रबंधन के लिए काम करा रहे हैं। तो ये जो है रेटून मैनेजर ने चलवाया इन्होंने, देखो कसले के माध्यम से, फावड़े के माध्यम से मजदूरों से इन्होंने जो कार्य कराया है। तो पूरी जानकारी देंगे कि किसान को कृषि यंत्र ना बनाने पड़े, कम से कम कृषि यंत्र में उसका काम चले। तो देखो चौधरी साहब से हम बात करते हैं अभी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा अपने किसानों के लिए बताओ जी, आप इसमें जैसे पेड्डी का प्रबंधन है, ट्रंच का गन्ना तो हमने काट लिया, सारी चर्चा होगी, तो इसमें जैसे हम पेड्डी कर रहे थे, आप ये किस तरीके से इसमें कार्य करा रही है? कार्य तो ऐसा है कि हर आदमी हर औजार तो बना नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, छोटे किसान है, इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए कुछ न कुछ आदमी को अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम जैसा करना, छिलाई चल रही थी हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो 20 क्विंटल की हमारी सेंटर पर करना, जहाँ 20 क्विंटल की पड़ती जा, तो जहाँ तक हम छुल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। वहीं तक इसे जो है एक घंटे का काम था, हम एक घंटे में वहीं तक इसे जो है। अच्छा, फावड़े से मट्टी मतलब अंदर गहराई में गिरवा रहे हैं? अंदर गहराई में गिरवा दे, जो पत्ती है वह दबकी उसका खाद बनेगा। जी जी। और एक दोबारा इसको जुताई में आसानी रहेगी करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसकी जो जड़े हैं वे कट जाएंगी, जो पुरानी जड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब जैसे जो साहब एक चीज बताओ, आप जैसे फावड़े से कटवा रहे, तो मतलब इसमें जड़ भी अगर आप कटवा दो बलकटी के माध्यम से गहराई में? हाँ, इसमें तो जो है अगर जो इसे पलकटी के माध्यम से अगर जो हम इसे और काट कर जो, हाँ जी, हाँ जी, जैसा आपने फावड़े से मट्टी हटवा दी, इसे अगर जो काट कर एक सार कर दे, हाँ जी, हाँ जी, और भी बेहतर रहेगा, और भी बेहतर रहेगा ना उसमें तो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके यहाँ लेबर की मतलब व्यवस्था हो जाएगी? लेबर की समस्या है, हमारे यहाँ भट्टे ज्यादा हैं। जी जी। भट्टी पर लेबर जो है ज्यादा पैसे मिले वहाँ, तो किसान को बिल्कुल समस्या आवा इसमें। हाँ जी, हाँ जी। इतना किसान दे नहीं पाता। जी जी जी। तो मतलब जैसा आप इसे फावड़े से हटवा रहे जी, तो इसमें अगर बलकटी भी लग जाए गन्ने में, नीचे से गन्ना कट जा, हाँ, तो मतलब उसमें और भी अच्छा हो सका किसान। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ देखो इसमें, ये देखो यहाँ, जी जी, ये गन्ना जो है ऊपर रह गया। हाँ जी, हाँ जी। इसमें अगर यहाँ से आँख से हम गन्ना जो फूट कर चलेगा, हाँ जी, हाँ जी, तो उसे जमीन में जड़ नहीं मिलने की, तो वो विकास गिरने का चांस रहेगा, गिरने का चांस रहेगा, उसका विकास नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नीचे से जमका होगा तो मिट्टी में जड़ फैलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी ज्यादा बनेगी। तो मैं थोड़ा सा देखो वीडियो में, देखो किसान भाई भी देखेंगे इसे, तो जैसे आपने देखो फावड़े से मेहनत का काम है, मट्टी हटवाई आपने, अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए, इसमें अगर बलकटी से नीचे से काट दिया जाएगी ब्लांद और, तो देखो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें किसान को। बलकटी से ना लेकर देखो, बेस्ट तो उसमें रेटून मैनेजर ही है, क्योंकि वो मट्टी पलटता चला जा, पत्ती दब जाती है उसमें, इसे एक सार कटिंग कर दे जी। हाँ जी। लेकिन अगर किसी के पास में थोड़ी जमीन है, देखो उस पर भी बात करनी चाहिए, किसान सब तो बना नहीं सकते। हाँ जी। तो वो मेरे एक दिमाग में आइडिया था जी, जो गन्ना हम छिलाई कर रहे, अगर उससे पहले ही किसान मट्टी हटा ले एक साइड की, तो उसमें और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा जी, गन्ना भी मिल में चला जाएगा हमारा। हाँ, ना ना, वो तो इतना हो नहीं पाता, वो तो नहीं, जैसे हम मान लिया गन्ना छिलाई कर रहे जी, मेरी बात सुनो, पहले नहीं हटा सकते उसमें। अच्छा अच्छा, पहले दिक्कत आओगी जी? पहले दिक्कत आओगी, पहले हटा, क्यों, गन्ना थोड़ा बहुत कुछ इच्छा रहे कोई। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल सही सीधे तो रहते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं, मेरे मन में एक आइडिया था, अगर किसान उसे पहले हटा ले एक साइड की, हटा ले दूसरी साइड की जितनी पड़ेगी, बल्कि टीसा अगर नीचे कटवा ले उसे, तो देखो उसमें कुछ ना कुछ हो सके, अगर गन्ना किसी का सीधा खड़ा। हाँ खैर, अगर मान लो देखो किसान करने वाले बहुत है, ना करने वाले बहुत है, हमें इतना करना भी जो है ज्यादा मिल गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, तो उसमें भी कम से कम जो है एक बीघे में 4 क्विंटल का, तो देखो उससे ज्यादा बेनिफिट जो शुगर मिल को मिलेगा, क्योंकि जड़ में सबसे ज्यादा हमारी चीनी की मात्रा होती है गन्ने में, उससे ज्यादा कहीं नहीं होती, तो एक शुगर मिल को भी लाभ मिलेगा और किसान को भी लाभ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसके पास में 10 बीघे जमीन है, 5 बीघे है, 15 बीघे है, तो वो आसानी से सहभागी भी ले सके इसमें। और इसमें जो है एक साइड से गन्ना छिलाई से पहले पत्ती मतलब फावड़े से हटावा का मिट्टी कटिंग भी करवा सके। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हिसाब किताब अगर कुछ कर सके, देखो करने वाले के लिए ये बात, ये वीडियो करने वाले के लिए बनाया जाए, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। करने वाला तो वीडियो पर देखा है, सर्च करा है, फिर उसी हिसाब से काम करा है। हाँ जी। तो देखिए भाइयों, चौधरी साहब के पास में आज आने का उद्देश्य यही था कि काफ़ी एजिड किसान है, 65 साल की आयु भी है और अनुभव भी है देखो अपने जीवन का। तो आज चौधरी साहब के साथ में हमने काफ़ी चर्चा करी, ट्रेंच विधि के बारे में इनसे जाना भी, और देखो आज हमारे मन को भी ये तसल्ली मिली कि ट्रेंच से बोने में किसान को नुकसान कुछ नहीं है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सादी बुआई करो, मेहनत सादी बुआई से इसमें बहुत कम। हाँ बहुत कम है। देखो अगर कोई आदमी 30 खुड़ बो रहा है तो उसे 20 बोने पड़ेंगे, 10 खुड़ की उसे बचत है, सारे काम की बचत। विधि से हम करना बोवे, हमारा एक झुंड यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। बीच में को फावड़े मारते हैं
चले हम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं बीच में फावड़ा नहीं लगता, तो इसमें वो जो फावड़े की मजदूरी है। हाँ जी हाँ जी सारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, एक बार खुदाई करवाएंगे हम, एक मजदूर 250-300 रुपए ले। बिल्कुल सही कह रहे जी। और एक बीघे में 4 मजदूर काम करें, यानी कि 1200-1000 रुपए एक खुदाई के जाए एक बीघे के। बिल्कुल बिल्कुल, 3000 रुपए तो खुदाई के बच गए। हाँ जी हाँ जी। और जी 1500 रुपए बीज के बच गए मारे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे जी। और फिर बंधाई के बच गए। हाँ जी हाँ जी। 350 रुपए पाड़ के ले, फिर दूसरा के, फिर तीसरा के, फिर मेड़ लगा हुआ उसके। हाँ जी हाँ जी। इसमें भी सारे बचत के, सारे बचत के। बिल्कुल सही कह रहे, इतना हम सामान्य का निकाल ले। हाँ जी हाँ जी। अगर जो ये उतना भी निकल जा, हाँ जी हाँ जी, तो भी हमें 6000-5000 रुपए का एक बीघे पर फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। तो देख लो भाइयों, चौधरी साहब से बिल्कुल पूरी जानकारी गन्ने के बारे में हमने ले ली, और इनका पेडी का आप खेत भी देख लो। तो भाइयों, जो ट्रंच से देखो गन्ने की बुआई चल रही है, आज आपके लिए स्पेशल हम किवाणा गांव में आए, क्योंकि काफ़ी अनुभवी हमें किसान भी लग रहे थे, और देखो बिल्कुल सच्चाई इन्होंने बताई, अपना अनुभव शेयर करा 7 साल का। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया सब कुछ, तो ट्रंच से बेधड़क होकर फागण का गन्ना आप लगा सकते हो। एक बात मैं और बताना चाहूँगा। हाँ जी हाँ जी। ज़्यादातर किसान जी जी खेत की बुवाई की कटाई करें जी जी, तो इतने इतने पोगे छुटे रहे वो। हाँ जी हाँ जी। और उन्हें देख के उसका इतना लालच आवे कि नहीं भाई ये तो छोड़ने चाहिए। हाँ जी हाँ जी। मैं ये कहूँ कि या एक जो है बिल्कुल नीचे से कटना चाहिए। हाँ समझी की बात। हाँ जी हाँ जी। अगर वो इतना बड़ा हमने छोड़ दिया, हाँ जी हाँ जी, तो उसका दूसरे का 5 फुट बड़ा फुटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फुटेगा भी, हाँ जी हाँ जी, तो वो रूख तले का रूख जो है वो पूरा विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें पैदावार गिरे। हाँ जी हाँ जी। हमने ये भी तजुर्बा कर लिया, खेत में हमने पोगे छोड़ दिए। हाँ जी। और दूसरा खेत इस तरह हमने एक दौर से कटवाया। एक दौर से कटवाया। हाँ जी हाँ जी। जो एक लंबा कटवा पूरा का पूरा फूट कर सारे तो बराबर गए। जी जी। और जिसमें पोगे छोड़ देते। हाँ जी। उसमें सारे बराबर नहीं गए। जी। उसमें पैदावार का 25 क्विंटल का अंतर आया हमारा एक बीघे। 25 क्विंटल का। 25 क्विंटल का बहुत बड़ा अंतर बैठा। देखने में खेत तकड़ा था वो। जी जी जी। तब जो है उसमें 25 क्विंटल एक बीघे में कम निकला। हाँ, वो ये जो पोगा था वो ठाड़ा हो गया, जो नीचे का वो मोड़ा बन गया। हाँ जी। पोगे छोड़े हम ठाडे हुए सोती हो जाओ, उनमें अंदर में वजन नहीं देते, देखने में तो मोटे दिखे। जी जी जी। और इसका जो गन्ना होगा एकदम पूरा ठोस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। ये किसान बिल्कुल उसे लालच आ जाओ, पोगों को देखो इसमें कितने पोगे फूट रहे। हाँ बिल्कुल, पोगों का लालच आ जाएगा। बिल्कुल लालच आ जाए, लालच नहीं करना चाहिए। यू बिल्कुल इस पर जो है सोच हमें बदलनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब जाकर हम पैदावार ले सके। बिल्कुल सही कह रहे जी। अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो वो अपना एक बीघे में तजुर्बा कर लो। हाँ जी हाँ जी। और तब फिर आप चला। बिल्कुल, ये नहीं कहते कि वो सारे को एकदम ऐसे ही काट दो। हाँ जी हाँ जी। खुद तजुर्बा करके देखो, एक बीघा कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। तो उन्हें खुद ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए भाइयों, चौधरी साहब से सारी चर्चा कर ली आपको, अब आप वीडियो देखो और कमेंट करके मुझे बताओ, कोई बात समझ में आ रही हो तो हम समझाएंगे आपको। देखो ज़्यादा तजर्बा तो हमें है नहीं, लेकिन काफ़ी किसानों से हम भी मिल लिए। तो भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार। हेलो हेलो।